हेलो व्यूअर्स, मैं तनुश्री घोष आज आप लोगों को हैंकी के चारों तरफ टैटिंग का लेस लगाना सिखाएंगे। देखिए, आप इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। पहले हम एक नया हैंकी लेंगे जिसके चारों तरफ हम मशीन से स्टिच करके रखेंगे और मशीन से हम चारों तरफ इसका स्टिच करके रखे हैं। और इसके लिए हमें जरूरत है एक एंकर की स्ट्रेट, नेक्स्ट है आपका एक शटल, एक सीजर, ये है क्रोशिया, ये है नीडल और थ्रेड, मशीन के थ्रेड। अब हम शटल में थ्रेड को डालेंगे। कैसे? पहले हम इसको गोल घुमा के एक गांठ लगा देंगे। फिर शटल के चारों तरफ से घुमा घुमा के हम धागे को शटल में भर देंगे। ये हो गया आपका शटल में थ्रेड पूरा भर गया है, हम देख रहे हैं। अब टैटिंग से हम लेस स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम बायां हाथ से धागे को पकड़ के गोल घुमा के फर्स्ट हम एक हाफ नॉट बना रहे हैं। अब आपका हो गया ये फुल नॉट। इस तरह से पहले हम दो तीन नॉट बनाएंगे। फिर हमें एक छोटा सा लूप बनाएंगे, दो मोटिफ को जोड़ने के लिए एक छोटा सा लूप बनेगा। तीन नॉट बनने के बाद ये आपका छोटा सा एक लूप बन जाएगा। फिर हम दो नॉट बनाएंगे। फिर हम तीन नॉट बनाएंगे, लूप बनाएंगे, एक छोटा मिडिल में, एक थोड़ा सा बड़ा, फिर एक छोटा सा लूप बनाएंगे। नेक्स्ट हम दो नॉट बनाएंगे, उसके बाद और एक छोटा सा लूप बनेगा मोटिव के साथ जोड़ने के लिए। फिर हम दो नॉट बनाएंगे। अब देखिए, इसे खींच के हम पूरा मोटिफ तैयार कर देंगे। फुल मोटिफ तैयार है। अब थोड़ा सा धागा छोड़ के हम नेक्स्ट मोटिफ को भी ज्वाइन करके उसके साथ बना देंगे। तीन नॉट मेरा बन चुका है, आप लोग देख रहे हैं। अब इस लूप के अंदर से धागे को खींच के ज्वाइन करेंगे। धागे को खींच के हम उसके अंदर से शटल को पास करवाएंगे और फिर हम एक फुल नॉट बना देंगे। इस तरह से जोड़ जोड़ के पूरा लंबा एक लेस तैयार करेंगे।
ये हो गया आपका। अब हम जिस कपड़े को लिए थे हैंकी को, उस हैंकी को हम क्रोशिया से हाफ लॉन्ग बना के हैंकी के चारों तरफ हम हाफ लॉन्ग बना देंगे क्रोशिया के जरिए। आप देख रहे हैं इससे हैंकी को, हैंकी के अंदर से हम धागे को टान के हाफ लॉन्ग बना रहे हैं। ये हैंकी देखने में लगेगा इंटरलॉक किया हुआ है, बन गया। अब मेरा लेस भी तैयार है, हैंकी भी तैयार है। अब देखिए इसको हम उल्टे तरफ से इस दो तीन मोटिफ, एक दो मोटिफ छोड़ के हम उल्टे तरफ से इसको हैंकी के साथ जोड़ देंगे। सुई धागा के जरिए हम दो जोड़ देंगे इसको, सिलाई कर देंगे। मोटिफ के नीचे जो धागा हम छोड़ रखे थे उस धागे को और मोटिफ के अंदर से डाल डाल के हम सुई के जरिए इसको रुमाल के साथ स्टिच कर देंगे। आप देख रहे हैं इस तरह से ये हैंकी जुड़ रहा है, लेस के साथ हैंकी जुड़ रहा है। कॉर्नर में थोड़ा सावधानी से कीजिएगा, दो तीन मोटिफ एक इकट्ठा करके किनारा घुमा घुमा के इसको लगा दीजिए। थोड़ा मोटिफ को क्लोज कर दीजिएगा ताकि वो घूमने में उसे सुविधा हो। लेस की जो मोटिफ है उसे थोड़ा क्लोज कर दीजिएगा। तब आपको लेस घुमाने में सुविधा होगी। ये मेरा चारों तरफ बन रहा है। अब लास्ट जो आएंगे हम लोग, लास्ट क्या करेंगे, जो मोटिफ हम पहले छोड़ के एक लूप बना के छोड़े थे उसके साथ एक मोटिफ बना के उस लूप के साथ जोड़ के हम लोग लेस को कंप्लीट कर देंगे। देखिए हम किस तरह से बना रहे हैं। ये मोटिव आधा बन चुका है। अब हम इसे घुमा के जो पहले लास्ट जो हम पहले एकदम शुरू में जो मोटिव बनाए थे उसके लूप के साथ इसको जोड़ देंगे।
उस लूप के साथ इसे जोड़ के हम मोटिफ कंप्लीट कर देंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा लेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको इसके साथ जोड़ देंगे बाकी को। बचे हुए धागे को गांठ लगा दिए और अब बाकी लेस को हम जोड़ रहे हैं रुमाल के साथ। बस मेरा लेस लगाना कंप्लीट हो रहा है। देखिए हम इस तरह से एक हैंकी बना लिए। ये मेरा पहला वीडियो है। आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए रेड बटन दबाकर। आगे और भी वीडियोस आने वाला है। स्टिचिंग और टेलरिंग के इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।